तो शेफ्स के लिए हमारे पास ये जवाब है, शेफ्स आर द इलस्ट्रेशंस, मतलब किसी भी चीज को मजीद एक्सप्लेन करना हो सिंबल्स के जरिए तो हम शेफ्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। जैसे टेक्स्ट कोई पढ़ेगा, शेप यानी कि इशारों के लिए कोई भी सिंबल उसको हम शेप कह सकते हैं। अब इसमें बने बनाए शेप्स हैं, जैसे इंसर्ट पर जाएंगे, यहाँ शेप्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ डिफरेंट किस्म के बने बनाए शेप्स हमारे पास आ जाएंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक शेप आपका जनरेट हो जाएगा। जब एक शेप बन जाएगा तो उसको पकड़ के आप इजीली कहीं भी मूव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कंट्रोल डी दबाएंगे तो इस शेप की डुप्लीकेट भी की जा सकती है कंट्रोल डी की मदद से, और दूसरा शेप एक और जनरेट हो जाएगा। इस तरह से कोई भी शेप आपको अगर बनाना है तो जस्ट आप उस पर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद उसको ड्रॉ करेंगे। वंस अगेन देखें, इंसर्ट शेप्स, और यहाँ पे क्लिक करके शेप को जस्ट सिलेक्ट करेंगे, ड्रैग करके बनाएंगे उसको और यहाँ पे शेप बन जाएगा। जब शेप बन जाएगा तो अगर आप नॉर्मल टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आखिरी टैब नजर आएगा व्यू का, और यहाँ पे क्लिक करके जैसे क्लिक करेंगे होम में जाएंगे तो क्लिक करके यहाँ से आप फॉर्मेट शेप में जाके देखेंगे तो यहाँ डिफरेंट किस्म के शेप्स आपके एक्टिवेटेड ऑप्शंस नजर आएंगे जो शेप से रिलेटेड होते हैं, जिसमें है शेप फॉर्मेट है, ठीक है। और अगर हम नीचे आते हैं शेप फॉर्मेट में तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये डिफरेंट किस्म के यहाँ पे शेप के स्टाइल्स जो हैं वो यहाँ पर चेंज हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप कोई भी एक स्टाइल जो है क्लिक करके चूज कर सकते हैं, ठीक है, क्लिक कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप यहाँ से क्लिक करके यहाँ से कोई और स्टाइल लेंगे तो यहाँ पर भी क्लिक करके उसको चूज करके चेंज कर सकते हैं। शेप फिल पे क्लिक करके यहाँ से आप इसको डिफरेंट किस्म के शेप्स के जो कलर्स वगैरह हैं वो यहाँ से इस पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ये वाला कलर दे दें। फिर उसके बाद यहाँ से क्लिक करके यहाँ पर आप जो है डिफरेंट कलर्स और इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। ये शेप के अंदर वाले हिस्से पे अप्लाई हो रहे हैं, शेप के आउटलाइन पे, अच्छा अंदर वाले हिस्से पे और क्या कर सकते हैं, अगर हम उसमें ग्रेडियंट्स ऐड करना चाहें तो उसी कलर के शेड्स भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे इसमें अप्लाई हो रहे हैं, इस पर क्लिक करके यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगर उसके अंदर कोई पिक्चर लगाना चाहें तो यहाँ से पिक्चर पे क्लिक करके, वर्क ऑफलाइन पे क्लिक करके हम अपने कंप्यूटर से कोई भी पिक्चर लगा सकते हैं, वो पिक्चर जो है हमारे कंप्यूटर पे होनी चाहिए, तो यहाँ से क्लिक करके वो पिक्चर यहाँ पर आ रही है और उस पिक्चर पे हम क्लिक करके इंसर्ट करेंगे तो पिक्चर यहाँ पर नजर आएगी। क्लिक करेंगे पिक्चर्स पे, क्लिक करेंगे वर्क ऑफलाइन पे, क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको वो पिक्चर नजर आएगी और उसको आप इंसर्ट करा सकते हैं जिस शेप में चाहे, इसमें भी करा सकते हैं, इंसर्ट शेप्स और यहाँ से वर्क ऑफलाइन और यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर दें, ठीक है, समझ में आ गई बात ये। तो इस तरह से आप जो है इन पिक्चर्स को ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं, फिल कर सकते हैं। अब इन शेप्स पे क्लिक करके अगर आप इसमें कोई टेक्सचर लगाना चाहें तो यहाँ पर देखिए बेहतरीन किस्म के टेक्सचर्स हैं जो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ये देखिए। अब उसके बाद नेक्स्ट आती है कि अगर बना बनाया कोई स्टाइल अप्लाई करना चाहें शेप पर, तो जैसे शेप पे क्लिक करेंगे शेप स्टाइल्स में जाएंगे, वो आपको बने बनाए स्टाइल्स नजर आएंगे जिसमें से कोई भी एक स्टाइल पिक करके आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, ये देखिए। सही, समझ में आ गई बात ये। तो ये तरीका है शेप्स को फिल करने का। अब आते हैं शेप की और आउटलाइन की तरफ। शेप की आउटलाइन हम कहते हैं शेप के बाहर वाले हिस्से को, जिसको हम एक्सटीरियर पार्ट कहते हैं और ये इंटीरियर पार्ट है। तो आउटलाइन के लिए कलर चूज कर लें, आउटलाइन के लिए वेट यूज कर लें, कितना वेट होना चाहिए, आउटलाइन के लिए स्टाइल चूज कर लें कि किस तरह का आउटलाइन होना चाहिए। लेट्स सपोज अगर हम इसको इस तरह का, अगर हम इस पे आउटलाइन दे रहे हैं ये इस तरह का डॉट है, और उसके बाद हम इसका जो बीच है वो थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं इतना, और उसके बाद इस पे आउटलाइन पे कोई कलर भी अप्लाई करते हैं
तो वो उसी तरीके से इस पर अप्लाई होगा। ठीक है, इसके बाद अगर आपने मिसाल के तौर पे इस शेप को किसी दूसरे शेप के साथ चेंज करना है, मतलब इस शेप को किसी दूसरे शेप के साथ चेंज करना है, यहाँ क्लिक करेंगे, चेंज शेप पर क्लिक करेंगे और यहाँ से वॉट एवर शेप यू वांट यू कैन सेलेक्ट हेयर। तो जैसे ही आप उसको चूज करेंगे वो शेप उस शेप से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर हम यहाँ पर मिसाल के तौर पे शेप की पोजीशन सेट करना चाहें पेज के हिसाब से, तो पोजीशन अरेंजेस में आएंगे, पोजीशन पे क्लिक करेंगे, ये देखें आपको दिखाया गया है पेज और ये दिखाया गया है शेप। तो ये शेप टॉप लेफ्ट पे चला गया, टॉप सेंटर पे आ गया, टॉप राइट पे आ गया, सेंटर लेफ्ट पर आ गया, सेंटर सेंटर आ गया, सेंटर राइट आ गया और यहाँ से बॉटम लेफ्ट आ गया, बॉटम सेंटर आ गया, बॉटम राइट पर आ गया। तो कौन सी पोजीशन पे सेट करना चाहते हैं, लेट्स सपोज ये एग्जैक्ट पेज के लोअर राइट कॉर्नर पर इसको अरेंज कर देगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से क्लिक करके इसको आप टॉप पे कर लें, ये देखिए टॉप पे नजर आ रहा है। अब यहाँ पर इसको क्लिक करके यहाँ से राइट बटन दबाएंगे, एड टेक्स्ट करेंगे तो शेप के अंदर टाइप भी किया जा सकता है। वंस अगेन देखिए, यानी के टेक्स्ट इन शेप और फिर इसको सेलेक्ट करके इन टेक्स्ट को शेप फॉर्मेट में शेप स्टाइल से भी मैनेज किया जा सकता है और यहां से उसका अंदर का कलर, बाहर का कलर भी सेट किया जा सकता है, आउटलाइन का कलर भी सेट किया जा सकता है, साइज भी बढ़ाया जा सकता है। ये सारे काम हम इसके शेप के साथ इजीली कर सकते हैं। इसी के से राइट बटन एंड ऐड टेक्स्ट, तो यहाँ पे लिखा हमने, फॉन्ट साइज को यहाँ से बढ़ा दिया और देखिए इसकी जो पोजीशन है सेंटर है तो इसकी डायरेक्शन अलाइनमेंट टॉप भी कर सकते हैं, अलाइन को बॉटम भी कर सकते हैं, इसको सेंटर भी कर सकते हैं। सिमिलरली हम इसको यहाँ से लेफ्ट अलाइन भी कर सकते हैं, राइट अलाइन भी कर सकते हैं, सेंटर अलाइन भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप इसके साथ कर सकते हैं, जो टेक्स्ट शेप के अंदर है वो इजीली शेप के साथ मूवेबल है। अब हम देखते हैं कि शेप को टेक्स्ट के साथ कैसे एडजस्ट करेंगे, कि अगर हमने टेक्स्ट लिखा है अपने इससे तो कैसे एडजस्ट होगा। इंसर्ट में जाके एक ब्लैंक पेज एड करा लेते हैं और अब यहाँ पे देखिए मैं टेक्स्ट पहले एड कर लेता हूँ। तो मैंने रन लिया और टू पैराग्राफ एट पैराग्राफ ले लिए। ठीक है, तो लेने के बाद हमने यहाँ से क्लिक किया और यहाँ से क्लिक करके इंसर्ट पे गए और यहाँ पर हमने क्लिक किया शेप पर और यहाँ पर हमने एक शेप को ड्रॉ किया। जैसे शेप को ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से क्लिक करने पे यहाँ पर ऑप्शन आएगा रैप टेक्स्ट का, रैप टेक्स्ट का ऑप्शन आपको यहाँ भी नजर आएगा और वहां पर भी नजर आएगा। तो अब आप इसको देखिए कैसे चाहते हैं कि टेक्स्ट इसके चारों तरफ नजर आए, तो टेक्स्ट ऑटोमेटिकली फोर साइड पर नजर आएगा। एक डुप्लीकेट भी कर लेते हैं कंट्रोल डी की मदद से, यहाँ रख लेते हैं, ये भी ऐसे एडजस्ट होगा। और अगर हम चाहते हैं कि टेक्स्ट थ्रो रहे तो थ्रो का मतलब है कि ये इसके चारों तरफ ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता रहे। इसके अलावा अगर हम चाह रहे हैं कि टॉप एंड बॉटम हो जाए टेक्स्ट, जहां भी ये जाएगा या तो टॉप पर या इसके बॉटम पर टेक्स्ट होता रहेगा मैनेज। और अगर हम कहेंगे बिहाइंड टेक्स्ट तो ये टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा और अगर हम कहेंगे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट तो ये टेक्स्ट के आगे नजर आएगा। तो इस तरीके से आप इसको जो है इजीली कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात ये। तो अब आते हैं साइज की तरफ, हम किसी भी शेप की विड्थ को ऐसे कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, हाइट को यहाँ से ऐसे कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, डायगोनली इस तरह से कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, चारों कॉर्नर से इस तरह से कम ज्यादा कर सकते हैं और रोटेट सीधे हाथ पे कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड पे कर सकते हैं, इसे कहते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन और इसे हम कहते हैं काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के कांटे सीधे हाथ पे चलते हैं और काउंटर क्लॉकवाइज उसके उल्टे हाथ पे रोटेट करना चाहें, ये भी आप इसके साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप शेप्स बना के डिफरेंट जो मामला थे शेप्स से रिलेटेड कोई भी इलस्ट्रेशन से आर्ट है, पिक्चर है, टेक्स्ट उसके अंदर लगा सकते हैं और शेप्स को बना के अपने डॉक्यूमेंट में बेहतर इम्पैक्ट और इफेक्ट डाल सकते हैं। एक और चीज कि शेप को ट्रांसपेरेंट कैसे किया जाए,
ये हाँ हाँ इक्वल टू रेंट फंक्शन के जरिए, ठीक है। तो अब क्या बता रहे, ट्रांसपेरेंट कैसे करेंगे, शेफ फॉर्मेट पे जाएंगे, शेफ फिल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कहेंगे नो फिल। तो ये देखें टेक्स्ट ट्रांसपेरेंट हो गया, ठीक है ना, मतलब ये टेक्स्ट के अंदर कुछ भी नहीं है। अगर मैं इसका रैप टेक्स्ट जाके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करूंगा तो ये देखिए टेक्स्ट बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, ये शेफ में से टेक्स्ट आपको नजर आ रहा है, सही समझ में आई बात। और अब जब मैं इसका कोई कलर भर दूंगा तो फिर ये ट्रांसपेरेंट नहीं रहा, लेकिन अगर मैं टेक्स्ट के पीछे भेज दूंगा तो फिर ये मुझे ऐसे नजर आएगा कि टेक्स्ट इसके अंदर है, बट ये टेक्स्ट इसके अंदर नहीं है, लेकिन वो पीछे चला गया है इसलिए ऐसे नजर आ रहा है, ठीक है, समझ में आ गई बात, ये क्लियर आ गई। और अब इसी तरह से अगर मैंने इसका आउटलाइन खत्म करना है तो यहाँ आउटलाइन में जाके कहूंगा नो आउटलाइन, तो अब इस शेप का कोई आउटलाइन नहीं है,